जैसे आपको मालूम है संडे को कोई ना कोई इवेंट होता है। लास्ट दो संडे से शायद ही कोई इवेंट किया, मगर ट्यूसडे को एक मैंने इवेंट किया था वुमेंस डे पे, और आज 13 था। दोबारा संडे को लेट निकला हूँ, तो आज एक नया ट्रैक ढूंढा मैंने नेट पे, गूगल पे ये ट्रैक ढूंढा हुआ है। ये मैंने ऑफ रोड ट्रैक है। ये मेन जो अपना मेन रोड जो परमंडल मेन रोड है, वहाँ से एक टर्न आता है मंडल का। मंडल से ये रास्ता बिल्कुल आगे ऑफ रोड है और ये तूतेकोई को निकलता है। दोस्तों, इसके आने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप वाया बजालता आ सकते हो और दूसरा वाया सिदड़ा आ सकते हो। दूसरा ये ट्रैक मैंने क्यों लिया, ये ट्रैक मैंने इसलिए लिया कि अब जैसे मैं राइड स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी राइड में लाइट इफ़ेक्ट्स हैं। उसमें अगर मैं बाया बजालता से आता था, मेरे अपोजिट साइड सूरज राणा था, और इसीलिए मैंने वाया सैनी कॉलोनी होते हुए खड़ होते हुए ये ट्रैक किया, क्योंकि अब जब मैं गाड़ी चला रहा हूँगा तो सूरज मेरे पीछे होगा, तो उसमें थोड़ा क्लैरिटी का फ़र्क रहता है। अभी तक जितना मैंने अपने घर से ट्रैवल किया वो मैंने किया है 37 किलोमीटर 8:34 या 5 इस पर मैंने स्टार्ट किया था और 8:62 हुआ। मीन्स 28 किलोमीटर मैंने अभी तक ट्रैवल किया। और आज आपको कुछ ऑफ रोड के टिप्स भी बताऊंगा कि ऑफ रोड पे आप कैसे गाड़ी चलाइए। अब ट्रैक गूगल पे देखा, आगे क्या निकलता है उस ट्रैक की मैं आपको पूरी जानकारी। अब ये रास्ता जो सीधा रास्ता जा रहा है ये वाया ये परमंडल को जा रहा है रास्ता है। ये परमंडल को सीधा चला जाता है और ये बैक साइड से मैं इस रास्ते से आया हूँ जो चौवादी से होते हुए रास्ता आया। अब यहीं से ये सामने बोर्ड लगा हुआ है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परमंडल डिस्ट्रिक्ट सांबा मंडल, और यहाँ से जो अब ये ऑफ रोड मेरा ये स्ट्रेच स्टार्ट हो रहा है, और जैसे जैसे जो जो आगे मुझे दिखता है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखता हूँ आगे क्या क्या है आपके लिए और क्या कुछ नया बताने वाला हूँ। कम से कम एक दो टिप्स तो ज़रूरी दूंगा कि ऑफ रोड पे अगर आपको आना तो किस तरीके से आइए और बाइक कैसे चलाए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं। आज मेरे साथ दोबारा मेरा छोटा बेटा है, तो बोल रहा था कि कोई नया ट्रैक किया, तो कल शाम को ही मैंने इस ट्रैक को स्टडी किया, तो अब हम उस ट्रैक के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं जो जो अब आपको आगे दिखता है तो वो मिलेगा, बाकी गाड़ी ने साथ देना चाहिए। अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, मगर आज भी नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों, निकलता हूँ आगे, आगे जो जो दिखता तो आपको भी दिखाता हूँ। अब ये यहाँ से मेरा लेफ़्ट हैंड को है ट्रैक। अब मैं यहाँ से लेफ़्ट को निकल रहा हूँ, देखता हूँ अंदर क्या क्या मिलता है। मिलते ही स्टार्ट से ही पहले बजरी ट्रैक है ये, तो चल पड़े हैं दोस्तों। ये चीज़ें करने के लिए आपको बहुत हिम्मत और टाइम चाहिए, आपको दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन हो तो ऐसे ट्रैक आप कर सकते हो, क्योंकि हिम्मत और टाइम दोनों बहुत ज़रूरी हैं इस टाइप के ट्रैक में। अभी तो मैंने भी गूगल पे इसको देखा, आज देखता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फॉर्म है, बी कीपिंग का फॉर्म है, और बीज यहाँ पे ये हमारे में इसको पेटी बोलते हैं। इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, उसके साथ ये बाकी पूरा झुंड रहता है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर काम कर रहे हैं। और अभी फूलों का सीज़न है, ये जंगल में लगा देते हैं मधुमक्खियाँ, जंगल से जाके शहद इकट्ठा करके, और ये प्योर शहद होता है। तो अभी देखो आगे आगे और क्या मिलता है। तो बहुत अच्छा है ये, और आज उनकी देख रेख हो रही होगी। संडे या हर संडे को शायद ही आते होंगे यहाँ चेकअप करने के लिए। और आगे आगे जो जो आगे आगे मिलता है दोस्तों वो मैं आपको ब्रीफ करता जाता हूँ। अभी तो राइड स्टार्ट हुई है। सुना है इसमें काफ़ी रेत वाले स्ट्रेचेस हैं, और अभी तो कैंकरा ही दिख रहा है मेरे को। कार के लिए अभी तक तो कार यहाँ तक आ सकती है। कार के लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि कार नहीं पहुँच सकती है। अगर कार आ सकती है तो 4x4 के लिए तो बहुत ईजी है। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, जम्मू हमारा ऑफ रोड का एक भंडार है। आप कितना भी ऑफ रोड कर लो मगर यहाँ पे ऑफ रोड ख़त्म नहीं होते। जितना मैं भी नेट पे इसको समझ पाया हूँ तो ये सारा सराउंडिंग जम्मू के सारे सभी सराउंडिंग्स हैं। अब दोस्तों यहाँ से 2 ट्रैक हैं। अब कौन सा चुनना है मुझे, ये मैं अपने दिमाग से लूँगा। ये मैं, क्योंकि मैं भी तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये मैं अपने दिमाग से लूँगा कि कौन सा ट्रैक करूँ। यहाँ से एक बाइक आ रही है, शायद ये गांव को जाता होगा रास्ता, और एक रास्ता ये है। अब मुझे ये आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सा रास्ता पकड़ूं, ये वाला पकड़ूं या ये वाला। इस दफ़ा तो मैं राइट का रास्ता लेता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम उसको भी करूँगा। इसलिए आपको अभी मैंने जो ब्रीफ किया कि जम्मू एक ऑफ रोड का भंडार है। आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी मगर ये आपके ट्रैक्स ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, इसके लिए आपको, अगर आप वाया बजालता भी आते हैं तो घर से निकलते हो और शायद वहाँ से भी आपको इतना ही पड़े, 4-5 किलोमीटर लंबा कम हो सकता, ज़्यादा हो सकता है, कम मुश्किल है। अब डिपेंड्स करता है कि राइडर किस लोकेशन से आ रहा है। अगर तो राइडर तवीज़ के पार से आ रहा है, मीन्स गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, वहाँ से उसने राइड करनी है, तो वो वाया सिदरा से ही आए। मैंने तो ऑप्शन अपनी चुनी थी सिर्फ एक लाइट के कारण कि मेरे, नहीं तो अगर मैं राइड कर रहा होता। ये मेरी राइड का सबसे पहला फंडा है, मैंने जाना है स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से आ रहा होता, मैं अगर बजालता से आता तो मेरी तरफ ये सूरज रहता, मेरी तरफ ये सूरज रहता। इसलिए मैंने ये ट्रैक वाया चौवादी चुना। यार्ली इन द मॉर्निंग आता, दोपहर को निकल रहा हूँ, इसलिए मुझे ये ट्रैक अपना सूरज जो है वो अपनी पीठ की तरफ रखना। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी जगहों पे राइड पे आते हो तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए कि ये चीज़ें आपको काफ़ी, आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये है कि आप नेचुरल वीडियोस बनाइए और नेचुरल क्लैरिटी में उनको बताइए। तो आज मैं ये देखो, यहाँ से मुझे अभी पीछे ही टर्न से मुझे 2-1 ट्रैक अलाउ और मिला था, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 2 ट्रैक और मिल गए हैं। और आज का ट्रैक मेरा यही है, वाया मंडल होते हुए। ये मंडल एरिया है, बाकी जो गांव के नाम आएंगे वो आपको मैं ब्रीफ करते जाऊंगा। तो ये एरिया है, यहाँ से बहुत अच्छा स्पैन है, कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा सकते। ये देखिए नीचे का ट्रैक, भैया इधर होंगे हो, इधर होंगे हो। क्या नाम है तुम्हारा? ये फ्रेंड्स ये विशाल है, यहीं पे रहते हैं। मैं थोड़ी सी इनसे भी जानकारी ले लेता हूँ। अच्छा विशाल जी, एक चीज़ दस्यो, ये रास्ता कुत्थे निकल के जाइए? सर जी निकलना है इधर, हाँ जी गुज्जर नाला, फिर उधर गिगेरा गुज्जर नाला। ये इन्होंने मुझे बताया कि ये रास्ता गुज्जर नाले घेर से होते हुए, और फिर जो ग्रां इनका क्या नाम है जिड़े एक कन्ना कन्ना से ग्रां, ये मंडल एरिया ना। हाँ ये इतना तो मेरा परफेक्ट हो गया कि ये मंडल एरिया है। और अब यहाँ पे 2-3 गांव पड़ते हैं बीच में, और नदी नाले से होते हुए ही अभी ये जरा रास्ता है कितना होना, कोई 2-2.5 किलोमीटर होना। ये अभी हमने 2-2.5 किलोमीटर चलना, उसके बाद एक नाले में हम उतरेंगे, वहाँ से सीधा हम नाले होते हुए बजालता की तरफ जाएंगे। अभी आगे देखते हैं कितने ट्रैक्स हैं, और इतने कोई चीज़ दिखने वाली या कोई चीज़ और ऐसी दिखने वाली कुछ नहीं है यहाँ पे, बस यही है ऑफ रोड की, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा खाटे खुदे मतलब कुछ भी नहीं, यही ये गंदे जो है यही नाले हैं यहाँ पे। अच्छा, और मुझे अभी जितनी जानकारी विशाल जी से मिली है बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बताया कि यहाँ नाले काफ़ी हैं, कनेक्टेड नाले काफ़ी हैं। अच्छा ये नाले कुते साइड पर लगते हैं, उधर ऊपर जुड़ते हैं कुते चौहादी वाली साइड या कुते और ये जुड़ते हैं पिछा पिछा कुतों? पता नहीं है, सारे सीनियर बंदे हैं, नहीं कुछ। अच्छा ना क्या नाम थोड़ा? अच्छा अर्जुन जी, क्या हाल है? लोकल हो सिद्धर दे? अच्छा अर्जुन जी, ये नाले ने मंडल के नाले, बाइक साइड पे करना, ये मंडल के जो नाले ना ये उधर चौहादी वाली साइड में खुली होंगे कुछ या इस रस्ते अस जाचा तो इस रस्ते अस वापस आचा? हाँ जी सुंजमा निकली होंगे इतू रस्ता, वो केड़ा रस्ता उसके बारे थोड़ा दस देंगे सू? अभी कितना सर अभी अर्जुन जी ने बताया कि यहाँ से जो आगे कोई नाला आता है वो सीधा चौहादी निकलता है। आज शायद वही ट्रैक करूँगा, उसी ट्रैक को देखूँगा, इसलिए बोला कि जम्मू शहर ऑफ रोड का भंडार है। तो अर्जुन जी आप मुझे ब्रीफ में बताएंगे, बाकी मैं आपको तो समझ आ ही गई होगी, तो बाकी अगर कुछ कोई वर्ड्स या कुछ होगा कमेंट्स में बता देना, वो मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। अच्छा अर्जुन जी कुत्थे आखा दे ए थले जाइए? ठीक है, कोई 4-5 किलोमीटर। अच्छा और बाद डाउन आई है, थले जाना नाला। ठीक है ग्रां पे उसे घेर 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 दे कन्ने नाला जंदा है खब्बे हाथ खब्बे हाथ घेर तू। अच्छा घेर याद रखना नाम। अच्छा सीधा रोड निकलदा जे सुंजमा, वो सुंजमा निकली जंदा सीधा? हां जी उधर रोड कटोएदा, वो आप रोड ये कच्चा रोड है, ये है सुंजमा। कुथी निकलदा है सुंजमा? निकलदा है सर जिथे विकलेड़ वाले दफ्तर तो नहीं है, विकलेड़ वाले वर्कशॉप है। चाटा पता नहीं क्या नाम कुछ जगह का चाटा कितना पोग इतने रस्ता आया नहीं है उधर। दोस्तों आज तो यही ट्रैक करूँगा क्योंकि नया ट्रैक है, और तुसें अज दे पहले कदे इत्थे दिखा कि कोई बाइकर्स या जीप वाले ऑफ रोड करा दे? और शायद लग रहा है कि मुझे अपने इस की जो मैंने ये ट्रैक ढूंढा है शायद मैं ही फर्स्ट होऊंगा कि जो इस ट्रैक को इस पूरे ट्रैक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से मिले। और या अगर ये मैं सक्सेसफुल हो गया तो ये मेरी एक नई और खोज होगी कि ऑफ रोडर्स के लिए कि आप कहाँ से जाएं और कहाँ से आएँ। तो अर्जुन जी बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी। उतू कितना टाइम लगेगा थोड़े अंदाजे करना? उतू सर तो कोई ज़्यादा नहीं, 20 मिनट आधा घंटा बस, छोटा ट्रैक है बिल्कुल। पता कि जिन्ने भी ग्रां पौंदे ना। अच्छा सब यानी नाले कन्नै कनेक्टेड होने? तुसी इत्थों जागे ना अस परमंडल जाई सकदे। अच्छा ओ नेट उपर ओ लब्बा मगर ए नहीं है लब्बा दा। नहीं ओ लब्बा दा ओ ट्रेस नहीं होया, फिर ओ नेट उपर ढूंढदे भी इतना टाइम समझ नहीं आंदी है। तुसी जागे ना एक बार कन्नै उथों पूरा कनेक्ट हो जाना ओदे कन्नै रोड कन्नै। अच्छा अच्छा पौना नाला गया, वो नाले कोल अगे रोड पौंदा है कच्चा। अच्छा अच्छा सीधा बाईपास निकलदा रही है। अच्छा अर्जुन जी बहुत बहुत मेहरबानी, तुसीं सानूं जानकारी दित्ती। अच्छा विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अब निकलता हूँ, 5 मिनट रेस्ट करूँगा उसके बाद निकलता हूँ। पहले आपको यहाँ का व्यू बता दूँ, जिस जो भी ऑफ रोडर यहाँ पे आना चाहते हो, ये एक नाला है जो अभी मैंने यहाँ से पीछे जिस जगह से इस रोड को मैंने टच किया है वहाँ से है, और ये बीच वाला ट्रैक देखिए। जो जिन राइडर्स को मडी ट्रैक चाहिए, सैंडी ट्रैक नहीं चाहिए, मडी ट्रैक चाहिए, मड इस एरिए में काफ़ी है। ये देख लीजिए नीचे ट्रैक जा रहा है और आप ये इसमें कहीं भी जा सकते हो। हाँ, ये आपकी हिम्मत है। अब मैं भी तो खुद निकला हूँ, देख रहा हूँ कहाँ क्या, और मडी ट्रैक आपको बरसात में आई है, तो मेरी इच्छा रहेगी कि आप भी आए इस रोड पे और देखें। तो चलो दोस्तों, मिलता हूँ जो आगे आपको और कुछ जो मिलता है, जब यहाँ से अभी 5 मिनट रेस्ट करता हूँ उसके बाद आपको आगे मिलता हूँ। थैंक यू।